हेलो व्यूवर्स, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है अरबी को उगाना, कि हम अरबी को कैसे उगा सकते हैं और किस मौसम में हम उसकी फसल हार्वेस्ट कर सकते हैं, वो मैं सारी बातें और उसमें कौन सी हमें सॉइल चाहिए और उसको कैसा वाटर देना है वो सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। ये मैं दिखा रही हूँ, आप अरबी ऐसे लें जो थोड़ी सी उग गई हो, जैसे ये अरबी उगी हुई है, स्प्राउट हो चुकी है, तो उसको हम उगाएंगे। और मैं अपने फील्ड में भी आपको लेके जाऊंगी, जहाँ हमारे खेत में अरबी लगी हुई है। तो अब मैं फ़िलहाल आपको पॉट में ग्रो करना बताऊंगी कि हमारे पॉट में भी अरबी बहुत अच्छे, थोड़ा सा होती कम है पर बहुत अच्छे तरह से होगी। आज हमारा अरबी के लिए जो हम सॉयल लेंगे वो बहुत ही सॉफ्ट और दोमट सी होगी, क्योंकि उसकी रूट्स बनती है हल्दी या आलू की तरह। तो फील्ड में तो वो बहुत ज़्यादा बहुत जगह पे ग्रो हो जाती है, बट पोट में हमें थोड़ी सी सॉफ्ट मिट्टी ही चाहिए, जिसके लिए मैंने ये काउडंक लिया है जो बिल्कुल डीकम्पोस्ट हो चुका है। इसको आप ज़रूर सब्जियों में ट्राई करें। मैं अपने फील्ड में जो मैं सब्जियों में ये इसमें एनपीके प्रचुर मात्रा में होता है, और हमें सब्जी जो हमारी सीजनल सब्जियाँ होती हैं उनके लिए एनपीके की हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो मेरे भाई बहन केमिकल भी यूज़ करते हैं, जो ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं, उनको तो चाहिए ही ऐसी मिट्टी जो ऑर्गेनिक है, पर जो मेरे भाई बहन केमिकल यूज़ करते हैं वो भी काऊ डंग का और काऊ यूरिन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, ताकि उनकी जो केमिकल की फसल है वो थोड़ी सी ऑर्गेनिक बन जाए। इसमें मैंने लिया है सैंड, रिवर सैंड, गार्डन सॉयल और कंपोस्ट खाद, जो कि बिल्कुल, और एक मैं केंचुआ खाद भी लूँगी इसमें, और इससे मैं ये पोट भर लूँगी। पोट भरने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि पोट में मैं कैसे ग्रो करती हूँ, और उसका मैं 15-20 दिन का अपडेट दूँगी, और फील्ड का मैं दिखाऊँगी तकरीबन 4 मंथ का आपको रिजल्ट दिखाऊँगी। इसको मैंने पोट को बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी से भर लिया, इसमें बिल्कुल भी हार्ड मिट्टी नहीं है, और इसमें मैं तकरीबन 2 या 3 पीस ग्रो करूंगी, और बाकी मैं सारी अरबी को मैं फील्ड में ग्रो करवा दूंगी। इसको आप ऐसे करें, गड्ढा सा खोल लें, और ये मेरा पोट काफ़ी बड़ा पोट है, और आप इसको पानी दे दें, और इसको अरबी को पहले दिन ही बस पानी पूरा चाहिए, उसके बाद आप कम ही पानी दें। और ये अगर आप फरवरी में उगाते हैं तो इसकी फसल आप 4-4 मंथ के बाद इसकी फसल को आप हार्वेस्ट कर लेते हैं। मिट्टी इसकी सॉफ्ट चाहिए, क्योंकि इसकी रूट्स बनती हैं आलू और पोटैटो की तरह या हल्दी की तरह इसकी रूट्स बनती हैं, तो मिट्टी इसकी सॉफ्ट चाहिए। और पानी भी हम इसको इसके बाद हम बहुत कम देंगे, और जो लाइट है पहले इसको स्प्राउट होने के लिए थोड़ी सी लाइट चाहिए, उसके बाद हम शेमी सेड में रख देंगे इसको, थोड़ी सी जहाँ पे धूप हमारी आती हो, 2-3 घंटे की धूप, तो उस एरिया में हम इसको रखेंगे। तो इसकी ग्रोथ देखना कि बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होगी, और इसकी रूट्स बहुत अंदर तक फैल जाएंगी हमारे पोट में। अब हम इसको पानी देंगे, आप इसमें थोड़ा सा काऊ डंग जरूर इसमें डालें, ताकि हमारी जो अरबी है उसको एनपीके बहुत अच्छी मात्रा में मिले। तो वो फ्रेंड्स, जो हमने अरबी उगाई थी 20 दिन पहले, तो उसकी मैं आपको अपडेट दिखा रही हूँ कि उसने कैसे ग्रोथ की है। ये देख रहे हैं आप, बहुत अच्छे लीव्स निकले हुए हैं, और अरबी ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। और यहाँ से निकाल के मैंने जो
अरबी थी उसको मैंने फील्ड में ग्रो कर दिया, जो मैंने दो पीस और भी लगाए थे, क्योंकि इसको ज़्यादा रूट्स बढ़ने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्लांट ही रखा है इस पॉट में। तो आप देख रहे हैं इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ शुरू हो चुकी है और फील्ड में इससे अच्छी ग्रोथ है, और इसके जो पत्ते हैं बहुत बड़े बड़े जैसे एलिफेंट लीव्स की तरह बन जाते हैं, तो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी, उसकी अपडेट भी मैं दूंगी। और ये प्लांट्स मैं लेके आई हूँ नर्सरी से और इनको मैं अपने फील्ड में खेत में ग्रो करूंगी ताकि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा बने, शुद्ध बने। और ये प्लांट मेडिसिनल प्लांट भी है और नीम वगैरह भी है, तो इनको मैं फील्ड में ग्रो करूंगी। ये फ्रेंड्स आप देख रहे हैं अरबी की ग्रोथ काफ़ी हो चुकी है, तो इसको मैंने कुछ प्लांट्स मैंने निकाले ही नहीं थे, वो मेरे 2 साल से इसी में हैं और उनकी ग्रोथ हो जाती है, इनके पत्ते मैं यूज़ कर लेती हूँ, बट मैं अरबी नहीं निकालती इसमें, और अरबी की रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा आगे के आगे बढ़ी हुई हैं। अब मैं इनमें से एक दो रूट्स भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि उनकी ग्रोथ कैसी हुई है। मैं अरबी अपने खेत से निकाल के ले आई हूँ, ये आप देख रहे हैं इनकी रूट्स बननी शुरू हो गई हैं, बट मैं इनको अभी भी रीग्रो करूँगी। रीग्रो का भाव ये है कि मैं इनको या तो पॉट में लगा दूँगी या मैं यहीं फील्ड में जो मेरे पास छोटा मेरा किचन गार्डन है उसमें लगा दूँगी। इस अरबी को तो देखना आप, उसके बाद इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। वहाँ पे हमारे फील्ड में तो इसने बहुत अच्छी ग्रोथ की हुई है, खेत में क्यों, वहाँ पे उसको इसको खुली जगह मिलती है ओपन। ये मिर्ची का प्लांट है और मैंने इसको हार्वेस्ट करना था, आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी मिर्ची लगी हुई है, तो ये मैं अपने घर के यूज़ के लिए लेके जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ मिर्ची। काफ़ी प्लांट्स मेरे लगे हुए हैं और उन पर काफ़ी मिर्ची लगी हुई है और फूल भी बहुत बने हुए हैं, इस पर भी मैं कोई वीडियो डालूंगी। और आज मैं दिखाती हूँ कि आपको मैं ये हार्वेस्ट कर रही हूँ, तो इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है कि मैं अपने किचन गार्डन से ये हरी मिर्च तोड़ के लेके जा रही हूँ और जिसको मैं चटनी और सब्जी में यूज़ करूँगी। ये आप देखेंगे है तो मेरे पास बहुत क्वांटिटी कम ही है मिर्च की, पर मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने परिवार को ऑर्गेनिक फ्रूट ये सब्जी खिला रही हूँ। ये आप देखेंगे बिल्कुल ये फूलों से भरे हुए हैं प्लांट्स, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इनमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती, भले ही मेरे पास ये सब्जी कम आए, तो मुझे ये खुशी होती है अपने व्यूअर्स को बताते हुए कि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करें ताकि उनकी उनके परिवार की सेहत अच्छी बनी रहे। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स।